आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट वॉच वेब सीरीज ऑफ 2021 टू 2022। कुछ सीरीज हाल ही में रिलीज की गई हैं और इनमें से बहुत सी सीरीज आपने अभी तक नहीं देखी होंगी। नंबर 10 पर है 2022 में आई ड्रामा मिस्ट्री इन्वेंटिंग एना। सीरीज की कहानी फॉलो करती है एक एना नाम की लड़की को जो जर्मनी की एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और घूमने के लिए न्यूयॉर्क आती है। और बहुत से फ्रॉड केसेस में इन्वॉल्व हो जाती है। क्या वो सच में फ्रॉड होती है या नहीं, वो जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर आप ये ड्रामा मिनी सीरीज देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पर है फेट द विंग्स सागा। सीरीज की कहानी एक मैजिकल स्कूल पर सेट है जहां पर लड़कियों को मैजिक सिखाया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इन पर अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। सीरीज में कुछ भी नेचुरल नहीं लगता, लेकिन अगर आप टीन ड्रामा या सुपर नेचुरल फैंटेसी देखना चाहते हैं तो आप इसे एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 8 पर है 2021 की हॉरर फिक्शन ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर। सीरीज की स्टोरी एकदम से स्टैंड नहीं होगी, इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। एक फिल्म मेकर हॉलीवुड की 19th सेंचुरी पर एक मूवी बनाना चाहते हैं। हीरोइन की एक्टिंग और वो अजीब से एक्टर्स, ओ भाई साहब, आपका दिमाग खराब कर देंगे। सीरीज आर रेटेड है और 18+ है, इसलिए फैमिली के साथ तो बिल्कुल नहीं देख सकते। ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 7 पर है स्टार ट्रैक पिकार्ड। इसका सीजन 1 2020 में रिलीज किया गया था और इसका सीजन 2 हाल ही में रिलीज किया गया है। सीरीज की कहानी 24th सेंचुरी के एंड में सेट है। नेमसस के 18 साल बाद सर पैट्रिक अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने के लिए वापस लौट आते हैं। और इसी दौरान इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सीरीज एडवेंचर से भरपूर है। अगर आप स्टार वार्स या स्टार ट्रैक जैसी मूवीज के फैन हैं तो आप इसे प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पर है 2021 में आई मिस्ट्री थ्रिलर लूपिन। इसके अब तक सिर्फ 2 ही सीजन रिलीज किए गए हैं। वर्ल्ड फेमस थीप जो अपने काम में बहुत माहिर होता है और अपनी हर चोरी को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करता है और कभी पकड़ा नहीं जाता। सीरीज हर गुजरते पल के साथ एक नया टर्न लेती है। ये सीरीज अपने टाइम में बहुत पॉपुलर रही और बहुत से लोगों ने इसे देखा। अगर अब तक आपने इस सीरीज को नहीं देखा तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 पर है शेडो एंड बोन। एक जंगज़दा दुनिया जहां पर एक अलीना नाम की लड़की को कुछ सुपर पावर्स मिलती हैं और इसे लगता है कि वो लोगों को बचा सकती है उन शैतानी ताकतों से जो वेलक्रा की गुलाम होती है, और कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं। सीरीज की स्टोरी, एक्टर्स की एक्टिंग और जिस लेवल के VFX क्रिएट किए सच में कमाल है। बिना किसी शक के आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर है हॉरर फिक्शन 2022 की फ्रॉम। सीरीज की कहानी एक छोटे से टाउन पर सेट है जहां पर लोग अपनी मर्जी से आ तो सकते हैं, लेकिन जब ये यहां से जाना चाहते हैं तो कुछ सुपर नेचुरल पावर्स इन्हें जाने से रोकती हैं। कुछ तो जंतर मंतर हुआ इस सीरीज में। आखिर वो क्या चीज है जो इन्हें जाने से रोक रही है, वो जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है, आप इसे इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर है 2021 की लोकी। सीरीज की कहानी अवेंजर्स एंड गेम के पहले की स्टोरी दिखाती है। लोकी को टाइम से छेड़छाड़ करने की वजह से सजा के तौर पर एक अजीब से वर्ल्ड पर कैद कर लिया जाता है।
इसके बाद ये वहाँ से निकलने की जी तोड़ कोशिश करता है और इसी दौरान वो दुनिया को भी बचाना चाहता है। सीरीज एक्शन और फैंटेसी से भरपूर है। अगर आप मार्वल मूवीज देखना पसंद करते हैं तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इंजॉय कर सकते हैं। नंबर दो पर है मेड। सीरीज की कहानी फॉलो करती है एक सिंगल मदर एलिक्स को, जिसे अपनी बेटी का पेट पालने के लिए दुनिया से लड़ना पड़ता है और ऐसे में इसे बहुत सी परेशानियां आती हैं। कैसे बद से बदतर काम करके एक एक पैसा जोड़ती है। सीरीज में थ्रिल क्राइम कुछ भी नहीं। सीरीज सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो डे टू डे लाइफ देखना पसंद करते हैं। सीरीज में इतनी अटैचमेंट है कि यूट्यूब पर एक भी नेगेटिव पॉइंट ढूंढ के दिखाओ, आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर इंजॉय कर सकते हैं। नंबर एक पर है द लास्ट किंगडम। इसका सीजन 5 हाल ही में रिलीज किया गया है। उट्रेड रैग्नरसन, जो इंग्लैंड को महफूज रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है और अपने वाइकिंग्स लोगों से बगावत करता है, सीधे लफ्जों में कहूँ तो ये सीरीज वाइकिंग सीरीज के बाद की कहानी दिखाती है। सीरीज में एक्शन और वार सीन्स एकदम नेचुरल तरीके से हमारे सामने रखे गए हैं। पहले के 2 सीजन आपको इंग्लिश में देखने पड़ेंगे, बाकी के 3 सीजन हिंदी में अवेलेबल हैं। आप इसे नेटफ्लिक्स पर इंजॉय कर सकते हैं।